कहानी का नाम सरजमी है और इसके राइटर हैं रंजीत कुमार। कोई नए राइटर ही है मेरे जैसे नए नए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लखनऊ की आबो हवा में एक अजीब सी उमस आ गई थी। नवाब असगर अली खान उर्फ खान साहब, जमींदारी और नवाबियत खत्म होने जाने के 12 वर्षों बाद भी काफ़ी कश्मोपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। 12 वर्षों तक तमाम ज़मीन जायदाद बेचकर नवाबी तो उन्होंने कायम रखी, किंतु अब बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे थे। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि फटे तो फटे मगर नवाबी ना कटे। तो वही है नवाब असगर अली खान साहब। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। हरम हवेली के कमरे खाली हो गए थे। बेगम खानों में लगे पुराने बड़े बड़े भारी भरकम पर्दों पर बने बेल बूटों में से सोने चांदी निकाल लिए जाने से बेनूर पर्दे बेवा की सुनी मांग की तरह लग रहे थे। बेगमों के आल औलाद लखनऊ में तांगा बग्घी चलाने लगे, मतलब कि उनके जो बच्चे थे वो बग्घी चला रहे थे लखनऊ की गलियों में। ये आगे का वाक्य उनके बच्चे बोलते हैं। वो क्या है, मेरी मम्मी की दादी नवाब साहब से छू गई थी। इस तरह से वे अपने को नवाब खानदान का बताते हैं। बोल चाल शक्ल सूरत से भी सवारियां मान जाती थी। इधर नवाब अपनी सारी सहूलतों को समेटते समेटते अफीम की लत पर आकर रुक गए थे। अमल तलब होने पर खान साहब बेचैन हो जाते थे, नशा से बेचैनी हो जाती थी। सारे नौकर चाकर तनख्वाह की मोटी रकम बकाया होने के बावजूद छोड़कर चले गए थे। एक जमील कोचवान बच गया था। जमील कोचवान भी था और हवेली का खास खादिम भी था, मतलब यूं समझो कि नवाब साहब का मकसूद मकबूल मकबूल नवाब साहब का मकबूल मिर्ज़ापुर में जैसे था वैसे। तो नवाब की खानगी खिदमतों का इंतज़ाम उसी के ज़िम्मे था। इसी वजह से हवेली के सारे खरीद फरोख्त का काम वही करता था। इस तरह उसकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से कट रही थी। शादीशुदा नहीं था और नवाब की खिदमत में रहने से शादी की ज़रूरत भी उसे नहीं महसूस होती थी। नवाब की मुफलिसी के बावजूद उसने नवाब की मुलाजिमत नहीं छोड़ी। वर्षों गुजर गए, तनख्वाह के बारे में न तो नवाब ने कभी जिक्र किया न जमील ने कभी जिक्र किया। वजह थी नवाब के बच गए अमल। बनारसी तंबाकू की चीलम और अफीम नहीं छूट सके थे और किसी तरह इसका इंतजाम जमील कर देता था। जमील के जिम्मे शुरू से खरीद फरोख का काम था, जिसमें खरीद तो खत्म हो गया था, पैसा ही नहीं था, अब सिर्फ फरोख्त का काम बच गया था। तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, सामान बेचो और ज़रूरतें पूरी करो। जब तक फिट्टन घोरा था नवाब खुद जमील के साथ जाते रहे। अच्छा, घोरा का नाम फिट्टन है। जमील अमीनाबाद सरफरा से बहुत इधर ही एक गली के मुहाने पे फिट्टन बाएं खड़ा करके खुद हीरे मोती जवाहरात बेच कर लाता रहा। नवाब का समय दबता ही जा रहा था। फिट्टन का दाहिना पहिया टूट गया। घोड़ा बेचकर उसका दाना पानी जुटाने का बोझ हल्का किया गया। सही बात है, नवाब के पास कीमती जवाहरातों नगीनों को रखने वाला चांदी का एक बड़ा संदूक के अलावे कई दर्जन छड़ियां बच गई थी। जमील इसी वजह से नवाब की खिदमत में लगा हुआ था। अच्छे नगीने बिक चुके थे, कुछ मामूली पत्थर बच गए थे। इधर कई दिनों से वह मौके की तलाश में था। अफीम की डोज देने के बाद जमील ने चीलम की आग को हवा देकर सुलगाया और हुक्के का नरचा नवाब के हाथ में थमाते हुए बोला, हुजूर
एक क्षण रुक कर फिर बोला, कई दिनों से एक अर्ज करना चाहता हूँ हुजूर, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। नवाब जमील की गुजारिश से शायद वाकिफ था। उसने इत्मीनान से हुक्के का कई कश खींच कर ढेर सारा खुशबूदार धुआं छोड़ा। अच्छा, तब जमील से पूछा, क्यों जमील, क्या बात है, बताओ। जमील ने क्या कहा, हुजूर की मुलाजिमत करते बहुत समय गुजर गए, अब खुद की छोटी मोटी तिजारत करना चाहता हूँ, शादी भी करनी है हुजूर। जमील चुप हो गया, नवाब का पीता रहा, तमाकू जल गई, चिलम की आग मद्धिम हो गई थी, कश भरपूर नहीं लग रहा था, अब नवाब मदहोश हो चुका था, फटे हाली के तमाम गमों से गाफिल हो गया, हुक्के की नली नीचे रखकर वह खड़ा हो गया। जमील अब तक नवाब के जवाब का इंतजार कर रहा था कि नवाब साहब कुछ बोलेंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा था, नवाब कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आगे देखते हैं, हुजूर की खिदमत छोड़कर जाने का वैसे तो मन नहीं है, लेकिन आगे पहाड़ सी जवानी पड़ी है हुजूर, कैसे दिन कटेगा मेरा। वह चुप हो गया। नवाब समझ चुका था अब जमील की किसी हालत में उसके साथ नहीं रहेगा, अब जमील किसी हालत में उसके साथ नहीं रहेगा। ठीक है जमील, तुम जैसा ठीक समझो करो, नवाब की आवाज में लाचारी थी। कल जुमेरात है, जमील ने कहा, कल से दिन में नहीं आऊंगा, फुर्सत मिली तो रात को आपकी खिदमत में आ जाऊंगा, दुकान खोलने की शुरुआती तैयारियों में कल से लग जाना है। अब जमील जो है एक दुकान खोलने वाला है और सिर्फ रात को आएगा नवाब की खुशामदी में। ये नेक्स्ट पार्ट है। फिर अमीनाबाद, अगर सुन के अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अब ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं, स्टोरी के वीडियोस। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगेंगे मेरी आवाज़ में शायद, और चलते चलते आप लोग कहीं भी सुन सकते हैं इसे। द बेस्ट थिंग इज़ दिस अबाउट दिस टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियोस, सो डू लाइक। अमीनाबाद सरफरा बाज़ार में जमील ने सरफरा की शानदार दुकान खोली, जमील कोचवान ज्वेलर्स, पहले ही बड़ी दुकानों से ज़्यादा तरक भरक वाली। कुछ ही दिनों में जमील की दुकान काफ़ी मकबूल हो गई, जमील अब बहुत बड़ा आदमी बन गया, सारे शहर में उसका सरूख बन गया, शहर में कोई मिलाद या मीटिंग उसके बिना पूरी नहीं होती थी। क्या बात, कई वक्फ कमेटियों का सदर बन गया। वक्फ कमेटी वो मुस्लिम लोग का, मुस्लिम भाई लोग का होता है, भाई बहनों लोग का, जो भी है। जमील कोचवान ज्वेलर्स में ग्राहकों की भीड़ के अलावा जमील से मिलने वीआईपी तथा आम लोगों, गरीब गुरबों के मददगार लीडर भी आने जाने लगे थे। दुकान के खूबसूरत शोरूम के सेल्समैन काउंटर के पीछे 3 फीट ऊंची शीशे की दीवार से आर पार दिखाई पड़ने वाला जमील की बैठक थी। शोरूम के दाहिने 5 जीने चढ़कर जमील की बैठक में शामिल हुआ जाता था। जीने बहुत खूबसूरत बने हुए थे, उन पर कीमती कालीने बिछी हुई थी। पूरे बैठक खाना में गाव तकिया मसनद व गद्दे पर सफ़ेद चादर लगे हुए जमील के नफासत पसंदगी का इजहार करता था। बीच में जमील बैठता था, उसके आगे एक छोटे नक्काशीदार मेज़ पर पानदान में बनारसी पान की गिलौरियाँ, अहमद हुसैन दिलदार हुसैन का जरदा और किवाम रखा रहता था, लोग आते जाते रहते थे। अब जमील के चाल चलन में भारीपन आ गया था, रुतबा। जितने लोग दुकान के बजाय बैठक में आते थे, कुछ न कुछ कहने आते थे। इस वनिस्वत जमील बोलने की जगह सुनता ज्यादा था, कम से कम बोलता था, लेकिन कमोवेश सबका काम कर दिया करता था। यही होता है, जब पावर आपके पास आती है तो आपका एक वाक्य भी
बहुत भारी पड़ता है चीज़ों पे। आज नवाब सवेरे से परेशान था। पुरानी छड़ियों में से चुनकर उसने 3 छड़ियाँ निकाल रखी थी, जिसमें और नगीने तो निकल चुके थे, लेकिन इन तीनों में फिरोजा के बड़े और बढ़िया आप के 32 दाने अभी भी बचे हुए थे। कम दाम का होने की वजह से इन्हें उसने अब तक नहीं बेचा था। बेइज्जती महसूस होती थी। वह सोचने लगा, अच्छा होता इन्हें पहले ही जमील से बिचवा देता। लेकिन आज सवेरे उसने तय किया, आज सरफरा बाजार वह खुद जाएगा। 2 छड़ियों के 20 दानों को निकाल उसने रुई की पुड़िया में रख लिया। बढ़िया मिर्जई शेरवानी निकाला, कामदार सलीम शाही जूतों को झाड़ पोछ किया, लेकिन वे पुराने लग ही रहे थे। पहनने उड़ने के बाद नवाब असगर अली खान नवाब दिखने लगा। उसने एक छड़ी हाथ में ले ली। अमीनाबाद चौराहे पर तांगा से उतर कर नवाब सरफरा बाजार में दाखिल हुआ। दुकानों के आगे गुजरते हुए वह तजबीज करने लगा कि इन नगीनों को बेचने के लिए मुवाफिक दुकान कौन होगा। इसी सिलसिले में वह जमील कोचवान ज्वेलर्स के आगे से गुजर रहा था। जमील को अपने बैठक से दुकान का बाहरी मंजर भी दिखाई पड़ता था। अचानक उसने देखा नवाब साहब। उसने फिर ठीक से देखा, उसके मालिक नवाब असगर अली खान ही थे। बिना देर किए जीने उतर उसने नवाब को कुर्निश किया। नवाब नहीं पहचान सका। दूसरे ही क्षण उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे जमील तुम? जवाब के बदले में हाँ की जगह हुजूर बोलता हुआ जमील ने नवाब की भरपूर इज्जत की। आगे आगे नवाब, पीछे से जमील बैठक में दाखिल हुए। वहाँ मौलवी फखरुद्दीन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाशिम साहब, मंजूर मियाँ और मदरसा के हेडमास्टर सबने खड़े होकर नवाब का इस्तकबाल किया। इज्जत! जमील ने अपनी जगह नवाब को बैठाया और लोगों से फायरिंग होने के ख्याल से लोगों से बातचीत मशगूल हो गया। इसी बीच चांदी की नक्काशीदार तश्तरी में खादिम पान रख गया। उन लोगों से बातचीत हो ही रही थी, लेकिन नवाब साहब की तरफ से मुखातिब होता हुआ पान की एक गिलौरी उसने मुंह में रख ली, खुद के मुंह में, और पान की तश्तरी खुद ले उसने नवाब साहब से अर्ज किया, हुजूर नौश फरमाया जाए। बदतमीज, तू अपनी सरजमी भूल गया? नवाब ने जमील पर छड़ी चला दी। सब अवाक होकर दुकान के सारे सेल्समैन वहां आ गए। वहां बैठे लोग उन्हीं दोनों को हैरत से देख रहे थे। जमील सहम गया। नवाब फौरन अपने आप में आ गया, मौके की नजाकत को समझ गया। उसने छड़ी उठाई और बहुत भारी कदमों से धीरे धीरे दुकान के जीने उतर सड़क पर चला जा रहा था। बस चला जा रहा था। ये थी कहानी सरजमी की। तो ये है, कोई बहुत ही छोटे से राइटर हैं रंजीत कुमार, बट द थिंग इज दैट व्हाट इज द इंस्पिरेशन, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। इसका मूल भाव यही है कि जब इंसान खुद के लेवल से नीचे आ जाता है, तो अगर कोई उसका खुद का नुमाइंदा, कोई उसका अपना नौकर या कोई भी उसको अगर इज्जत प्रदान करने की कोशिश करे, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसे वो बेइज्जती लगता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जमील नवाब साहब को इज्जत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन्हें बेइज्जती लग रही थी। नवाब साहब को वो खुद ही पान दे रहा था, खुद ही अपने प्लेस पे खुद बिठा रहा था उन्हें, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं भाया, क्योंकि अब उनके दिमाग में ये चीज़ भर चुका है कि नाउ आई एम फिनिश्ड, कोई नहीं, अब कोई भी अगर मेरे लिए कुछ करेगा देन ही इज ट्राइंग टू डिसरेस्पेक्ट मी। यही चीज़ इनके माइंड में चल रहा है, जैसा कि मुझे लगा।
बाकी स्टोरी तो आप लोगों ने सुना, कैसा लगा? आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, पूरा सुनो, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार, थैंक यू।